फाइनली दोस्तों सुपरस्टार रामचरण और चिरंजीवी की मच अवेटेड पैन इंडिया मूवी जिसका नाम है आचार्य। तो अगर आप इस मूवी के रिलीज होने का वेट कर रहे थे तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की रिलीज डेट से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है और इस मूवी की रिलीज डेट को चेंज कर दिया गया है। साथ ही साथ इस मूवी की नई रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आचार्य मूवी अब आपको कब और कहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि साउथ की एक नई मूवी हिंदी डब में टीवी और यूट्यूब पर रिलीज होने जा रही है, तो ये मूवी कौन सी है और आपको किस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप भी साउथ की नई नई मूवी हिंदी डब में देखना पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखना। तो दोस्तों आचार्य जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसको 4 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होना था और ऐसा माना जा रहा था कि इस मूवी की रिलीज डेट को नहीं पोस्टपोन किया जाएगा, लेकिन फाइनली लॉकडाउन और COVID-19 को देखते हुए अब इस मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और इस मूवी को लेकर एक ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है आचार्य मूवी की टीम की तरफ से। लेकिन जहाँ एक तरफ बड़ी बड़ी मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है और उनकी नई रिलीज डेट को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आचार्य मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने के साथ साथ इस मूवी की नई रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों काफी दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि RRR मूवी हमें 1 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही आचार्य मूवी की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट हुआ तो इन सारी खबरों पर विराम लग गया और अब हमें आचार्य मूवी 4 फरवरी की जगह 1 अप्रैल को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें दूसरी साउथ मूवी की जो कि हिंदी डब्ड में यूट्यूब पर रिलीज होने जा रही है, तो ये एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है जिसको IMDb पर 7.1 की शानदार रेटिंग मिली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बेहतरीन मूवी है और इस मूवी का नाम है जॉर्ज रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने जा रहा है कलर सिनेप्लेक्स पर 22 जनवरी को रात 8 बजे। साथ ही साथ ये मूवी आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी RKT स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर शाम को ही 11 बजे। तो जैसे ही ये मूवी रिलीज होगी तो आपको इस मूवी का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप इस मूवी को यूट्यूब पर आसानी से देख पाओगे।